भी ना ये वाले अलग डाला हुआ है इसमें, तो एक आगे डाला हुआ था बट अभी इसमें से कोई पसंद नहीं आ रहा है, तो अभी भाई 18 इंचेस डाल रहे हैं, तो 18 इंचेस अगर सही लगे तो डला ले, तो देखते हैं फिट करवा के भाई टायर कितना बाहर आ रहा है गाड़ी से, क्योंकि उस चीज़ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि भाई जितना टायर बाहर आएगा ना उतनी एवरेज कम हो जाएगी गाड़ी की। फाइनली ये वाले जो अलॉय है ये डिसाइड हो चुके हैं, तो गाइस ये लगी सामने गाड़ी और ये रहे पैसे, तो ये रहे अलॉय। सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजा डीसी। तो गाइस ये आपको अपनी वरना दिख रही होगी गाइस, तो मैं दिल्ली से आ चुका था क्योंकि उत्तराखंड की राइड जो हमने वो कैंसिल कर दी थी, क्योंकि आपको पता है वेदर बहुत ज्यादा खराब था, तो जानू ने स्टोरी भी डाली थी, तो हम कल वापस आ गए थे, और कल आपके भाई का बर्थडे भी है 21 मार्च को, तो बाकी बंदे मेरे को विश कर देना, बाकी और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे, आप सबका प्यार ही मेरे लिए काफी है। तो आज गाइस मैंने एक चीज डिसाइड किया कि आज मैं अपनी वरना में अलॉय डलाने वाला हूँ, और V3 बोस इतना गंदा इंसान है ना, वो हमारे साथ बाइक्स पे नहीं आया, वो बोल रहा था कि मैं अकेला ना बाद में आऊंगा, पता नहीं वो स्लीपर पे आएगा या किस पे भी आएगा, बट वो बंदा हमारे साथ बाइक पे जम्मू नहीं आया, और हम ना रात को मैं और जानू जब हम सुपर बाइक पे आ रहे थे 10 आवर पे, हम दोनों गाइस रोने लग गए थे, जानू बस बोलता बस पहुंच गए, मैंने बोला तू मेरे को उतार के किसी गाड़ी में बिठा दे, क्योंकि गाइस सच में दिल्ली टू जम्मू ना बहुत ज्यादा दूर है, ऊपर से 10 आवर की आवाज और 10 आवर की बैक सीट यार, अगर जानू ये व्लॉग देख रहा होगा ना उसको पता होगा कि रात को मेरी क्या हालत थी। तो बाकी ना आज हम अलॉय डलाने जा रहे हैं अपनी वरना को, जो भी अलॉय मैं डलाऊंगा अपने सारे सब्सक्राइबर अपने यूट्यूब फैमिली को मैं दिखाऊंगा कि मैं कौन से वाले अलॉय डलवाने वाला हूँ। बाकी मैं शैबी के पास जा रहा हूँ, शैबी को मैंने कॉल किया कि मैं आ रहा हूँ, अलॉय वगैरह पसंद करेंगे, देखेंगे हमारी वरना को कौन से अलॉय सेक्सी लगेंगे, क्योंकि आपको पता है गाड़ी के लिए ना मेरे पास जीरो टाइम नहीं होता है, जैसे मैं जम्मू आता हूँ मेरे को थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो गाड़ी लेके निकल जाता हूँ। RC390 अभी अंदर ही लगी, आज कोल्ड स्टार्ट की थी, और अपनी बाइक को जब कोल्ड स्टार्ट करता हूँ आगे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि RC390 आपको पता है भाई प्यार है, तो बाकी RR उधर ही V3 बोस के पास पड़ी है, दिल्ली में चला रहा है, तो बाकी चलते अपनी गाड़ी को लेकर, गर्मी जम्मू में ऑलमोस्ट थोड़ी कम है आज, तो बाकी अपनी गाड़ी को लेंगे अभी, बॉम्ब से अलॉय डलाएंगे जो हमारी वरना को सूट करेंगे, और उसके बाद जो थोड़ा बहुत और काम होगा वरना का वो भी कराएंगे, तो बाकी अभी निकलते हैं, चलते सीधा शैबी के पास। गाइस अभी निकल चुका हूं अपने घर से, तो पहले जाके ना गाड़ी में पेट्रोल वगैरह फिल करवाते हैं। कौन कौन सी क्लास में बता दो? सेवन सेवन्थ में। और क्या क्या नाम है आपका? कुछ बोलना चाहते हो व्लॉग में? हाँ। बोल दो कुछ। हेलो, कैसे हो? कौन सी क्लास में हो? सेकंड में हो। चलो ठीक है, अभी फिर जा रहा हूँ, फिर बाद में मिलेंगे, ठीक है? तो दिल्ली होता हूँ आपका, तो जब जम्मू आता हूँ तब आप सबसे जरूर मिलता हूँ। हाँ कल घर पे, कल आ जाना, ठीक है? ओके बाय। गाइस देखो मेरे को कितनी छोटी छोटी गलियों से शैबी के घर पे जाना पड़ रहा है, क्योंकि यार खुजवानी वाली साइड ना काफी ज्यादा रश था, तो इधर तो भाई बहुत ही ज्यादा रश है, देख ही रहे होंगे आप, एक छोटा सा बच्चा चल रहा है बस, और कोई नहीं, और ऊपर से आपको पता है गाइस मैंने स्प्लिटर्स लगाए, और गली में ना हर एक मोड़ पे ना भाई इतने बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर है ना भाई, मैं अपनी गाड़ी ना बड़ी मुश्किल से बचा के निकालता हूँ, क्योंकि गाड़ी जब थोड़ी सी भी टच होती है ना तो भाई एक रील तो आपने देखी होगी ना भाई, दिल में दर्द होती है, तो भाई वही सीन है। तो अभी मैं ऑलमोस्ट पहुंच ही गया हूँ शैबी के घर के बाहर, तो अभी हम शैबी को बुलाएंगे, तो उसके बाद चलते हैं भाई सीधा अलॉय वाली शॉप पे, तो देखते हैं भाई आज अपनी वरना में कौन से अलॉय लगने वाले हैं। तो भाई आवाज़ सुनाता हूँ आपको एक, अभी शैबी ये सुन लेगा तो शैबी खुद ही भाई बाहर आ जाएगा, तो अभी चलते हैं सीधा शैबी म्यूजिक के घर के बाहर। और उस बंदे ने भी भाई अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, भाई व्लॉग वगैरह करता है, तो भाई आप भी भाई उसके चैनल पे भी जाके भाई ढेर सारी सपोर्ट करना है। शैबी के घर पहुंच चुके हैं, तो भाई ये देखो गाड़ी की हालत दिखा दे, तो अभी मैं आया ना भाई, तो गाड़ी साइड से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो भाई मिट्टी से पूरी भर गई है, तो पहले डलाएंगे इसमें अलॉय, तो उसके बाद भाई हम करवाएंगे इसको वॉश, उसके बाद गाइस गाड़ी की पूरी बॉम्ब लुक बनेगी। तो बाकी मैं आपको बैक साइड से भी दिखा देता हूँ कितनी गंदी हो रखी है गाड़ी यार, ये साइड से आपको दिख ही रहा होगा, बट सबसे पहले अलॉय वगैरह डलवाएंगे, देन उसके बाद ये गाड़ी ना आज बॉम्ब लगने वाली है, तो अभी आ रहा है शाबी कुछ देर में, तो फिर इधर से निकलते हैं। आ चुके हैं हम अलॉय की शॉप पे, तो भाई ये देख रहे हो आपको कितने सारे अलॉयज दिख रहे होंगे, तो अभी भाई हम वन बाय वन चेक करेंगे भाई कौन से अपनी गाड़ी को अलॉय जो सूट करेंगे। तो भाई बहुत ज़्यादा खुश हो गया अपनी गाड़ी को भाई अलॉय डलवा रहा हूँ, भाई सब कुछ ना अपनी मेहनत से ही हो रहा है ये सब, मतलब क्या बताऊँ आपको, आपको मैंने बोला था कि जब आपका भाई वरना लेगा अपनी मेहनत से ही लेगा, तो अपनी मेहनत से लिए अलॉय सब कुछ भाई अपनी मेहनत से हो रहे हैं। तो भाई अपने मनपसंद के अलॉय बॉम्ब शर्ट लाएंगे बाहर, भाई चेक होने वाले हैं आज का व्लॉग बहुत बॉम्ब रहने वाला है, तो अभी भाई देखते हैं अपनी वरना को कौन से अलॉय सेट रहेंगे। तो अभी ये दो अलॉय चॉइस के हैं, तो इनमें से दो लगा के देखते हैं, जो अच्छे लगेंगे ना भाई तो वो ही लगाएंगे। ना ये वाले अलॉय डाला हुआ है इसमें, तो एक आगे डाला हुआ था बट अभी इसमें से कोई पसंद नहीं आ रहा है, तो अभी भाई 18 इंचेस डाल रहे हैं, तो 18 इंचेस अगर सही लगे तो डला लेंगे, बट 18 इंचेस से ना भाई बुरी हालत हो जाएगी गाड़ी की। तो ये देखो भाई, तो जो सूट करेंगे ना भाई तो वही लगवाएंगे, तो पीछे भी चेक करते हैं, अभी तक तो कोई पसंद नहीं आ रहा, जैसे कोई पसंद आएगा भाई वही फिट करवाएंगे, तो देखते हैं क्या सीन रहता है। टायर में अलॉय फिट करवा के देख रहे हैं भाई कैसा लगता है, और वो वाला भी कराएंगे, ये तो भाई अभी ऐसे ही करवा रहे हैं, तो देखते हैं फिट करवा के भाई टायर कितना बाहर आ रहा है गाड़ी से, क्योंकि उस चीज़ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि भाई जितना टायर बाहर आएगा ना उतनी एवरेज कम हो जाएगी गाड़ी की। तो अभी ये वाला चेक कर रहे हैं, तो देखते हैं कितना ज़्यादा टायर जो है बाहर आता है, और टायर भी पसंद करेंगे भाई कौन सा वाला लगवाना है। अब दूसरा टायर फिट करवा रहे हैं, तो इसकी डायल चेक करते हैं भाई ये कैसा लग रहा है अपनी गाड़ी के साथ, तो अभी भैया ड्रिल करेंगे इसको, तो मुझे तो भाई ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो आगे वाला तो आपको पता है ओल्ड हो चुका है, तो गाइस मुझे ज़्यादा बेटर ना पीछे वाला लग रहा है, तू बता शाबी। तो भाई पीछे वाला अलॉय ना ज़्यादा बेटर लग रहा है मेरे को और शैबी को भी, तो आप भी भाई ज़रूर बताना कि भाई आपको कौन सा भाई, अंकल जी कौन सा ज़्यादा सही लग रहा है।
तो अंकल भी यही बोल रहे कि भाई पीछे वाला ज्यादा बेटर लग रहा है, तो भाई देखते हैं क्या डिसाइड होता है। तो लुक तो गाइस सच में बहुत बॉम्ब लग रही है। फाइनली ये वाले जो अलॉय है ये डिसाइड हो चुके हैं, तो यही वाले अलॉय हमारी पूरी वरना में डलने वाले, तो भाई चेक कर लो। तो वैसे भी सब लोग ना मेरी गाड़ी वैसे पहचान लेते हैं नंबर से कि भाई राजा डीसी, और नंबर भी भाई हमने डीसी निकाला था। तो बाकी अब ना लड़के भाई ये वाली गाड़ी ना मेरे अलॉय से भी पहचान लेंगे। तो भाई ये वाला अलॉय जो हमने डिसाइड कर दिया है, तो ये वाला अलॉय डलने वाला अपनी वरना में, जैसे चारों टायरों में भाई फिट हो जाएंगे, तो उसके बाद मैं आपको गाड़ी की ना लुक चेक कराता हूं। तो भाई अभी अंदर ना पेंट वगैरह भी हो रहा है, तो ये देखो भाई ऑरेंज पेंट करवा लिया अंदर, क्योंकि भाई आपको अंदर से गाड़ी की थीम भी पता है भाई मेरी गाड़ी की थीम अंदर से क्या है, तो इसलिए भाई मैंने बाहर भी भाई यही वाला कलर करवा लिया है। तो अभी आगे भी होने वाला है, तो भाई अगर किसी ने भी भाई कम रेट में अलॉय डलवाने होंगे ना भाई, तो मैं आपको शॉप दिखा देता हूँ भाई। ये शॉप देख लो भाई, झंडे आल टायर्स भाई, इधर सच में बोल रहा हूँ भाई बहुत अच्छे रेट में अंकल ने अलॉय दिया हमें भैया ने, तो काफ़ी अच्छे टायर्स और काफ़ी अच्छे अलॉय वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। ये सामने इनका नंबर भी आ रहा होगा, तो भाई आके यहाँ पे आप अच्छे से अलॉय डलवा सकते हो। तो गाइस अगर आप आके मेरा नाम बोलोगे ना भाई, तो अंकल आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट भी देंगे, उन्होंने खुद बोला है। आके भाई बोल देना भाई राजा डीसी की वीडियो देख के आए थे, तो भाई काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देंगे, मेरे को भी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिले। अंदर से पेंट हो चुका है और एक अलॉय और टायर फिट हो चुका है, तो भाई देखो और मेरे को बता देना भाई गाड़ी की ना कैसी लुक लग रही है। आप सबके कमेंट ना भाई मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो भाई कमेंट कर देना कि भाई कैसी लग रही है भाई, ज़रूर बताना मेरे को भाई। चारों टायरों में अलॉय वगैरह जो फिट हो चुके हैं, तो आपको मैं भी बता देता हूँ कि कैसे लग रहे हैं भाई पूरी गाड़ी। तो आप भी भाई कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे लग रहे हैं। तो भाई ये देखो भाई आगे से गाड़ी की लुक कुछ ऐसे लग रही है भाई, मेरे को तो बहुत ज़्यादा बॉम्ब लग रहा है। तो भाई आप भी ज़रूर बताना कि भाई आपको कैसे लग रहे हैं अलॉय। तो अगर आप बोलोगे नहीं अच्छे लग रहे, तो कोई बात नहीं गाइस, एक दो महीने के बाद चेंज भी करा लेंगे। तो बाकी अभी अलॉय के बिना गाड़ी इतने छींटे मार रहे, तो जब अलॉय डल गए आप, तो बाकी भाई ऑन रोड तो काफ़ी अच्छी लग रही है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक लग रही है। तो आप भी सब ज़रूर बता देना भाई कैसी लग रही है यार। तो भाई आगे से स्प्लिटर ना टच हो, देखना भाई स्प्लिटर की वजह से ना भाई आगे से थोड़े स्प्लिटर ना टूट भी चुके हैं यार, ये कहीं पापा से हो गया था। तो बाकी भाई काफ़ी बॉम्ब लग रही है यार। अभी आपका भाई आ चुका है एटीएम में, तो अभी जो थोड़ी बहुत सेविंग्स मैं रखता हूँ ना, तो उसमें से भाई मैं निकालने वाला हूँ पैसे। तो आज मैं आप सबको ना पिन भी बता दूंगा कि मेरा पिन क्या है, तो भाई आप आके ना भाई पैसे निकाल सकते हो। तो अभी मैं आपको बताता हूँ क्या पिन है थोड़ी देर के बाद। तो दो बारी करके निकाल दूंगा भाई, इतनी लिमिट नहीं है मेरी अकाउंट की। तो बाकी भाई ये सब ना मेहनत है जो अभी आपके सामने आएगी। तो ये देखो भाई, तो भाई आज काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो गया, तो अभी रुको एक बारी फिर से निकालने पड़ेंगे यार। तो गाइस ये लगी है सामने गाड़ी, और ये रहे पैसे, तो ये रहे अलॉय। अलॉय वगैरह जो है डलवा लिए, कुछ सामान लेना था घर के लिए तो वो भी ले लिया, क्योंकि भाई अपने काम तो मैं सारे कर लेता हूँ, बट यार मम्मा के काम भी ना करने पड़ते, इसलिए भाई मेरे को ये सब चाबियाँ गाड़ी वालों की मिलती है। नहीं तो भाई अगर मम्मी के घर के काम नहीं ना करूँगा, तो फिर तो भाई मैं रह जाऊँगा हर एक चीज़ से। तो अभी अलॉय वगैरह डला दिया, आपको मैंने लुक भी बताई है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी को वॉश भी कराएंगे। तो बहुत सारे बंदे बोलते कि भाई हफ्ते में एक दो बारी ना वरना का व्लॉग भी दिया करो, तो गैस इसलिए मैं आपके लिए ना बीच में गाड़ी का व्लॉग भी जो है शूट करता रहता हूँ। तो अभी मैं घर पे सामान छोड़ के देन उसके बाद चलेंगे गाड़ी को वॉश करवाने, उसके बाद जब वॉश कराने चलेंगे तब भी थोड़ा सा व्लॉग शूट करूंगा, और आज का व्लॉग मैं सोच रहा हूँ पूरा वरना पे डाल देते हैं। तो आप सब ढेर सारा प्यार दिखाया करो गाड़ी वाले व्लॉग पे, तो फिर ही मैं गाड़ी वाला व्लॉग बना पाऊंगा, नहीं तो फिर आपको पता है मोटो व्लॉगिंग करता हूँ। तो बाकी अभी चलते हैं घर पे फटाफट, तो मम्मा को भी जाके बताते हैं कि मम्मा थोड़ा बहुत खर्चा कर दिया है, तो बाकी चलो चलते हैं। आ चुके गाइस हम कार की वॉशिंग करवाने, तो मैं बता देता हूँ आपको थोड़ी देर तक पूरी कार हमारी वॉश हो जाएगी। तो ये देखो कुछ ऐसी लग रही है, तो बाइक गंदी बहुत ज्यादा हो रखी है। गाइस फाइनली भाई गाड़ी वॉश वगैरह करवा के अंदर से भी एकदम बॉम्ब बना दिया, और ये मेरा दो शिमू, जब मेरे वन के होते थे ये बंदा तब मेरे साथ होता था, और आज मेरे 6 लाख सब्सक्राइबर हो गया, तो आज भी ये बंदा मेरे साथ है। पूरे सरोवर में सिर्फ मेरा एक ही दोस्त है और वो है ये बंदा। तो अगर कभी कोई घर पे भी जरूरत होती है, अगर मैं कभी बाहर गया होता, तो मम्मा सिर्फ इसी को याद करती है कि शिमू बेटा ये काम करते, क्योंकि भाई सच में दोस्त रखना ना भाई बहुत बड़ी बात होती है, और सच्चे दोस्त मिलना लाइफ में तो मैं कहता हूँ सच में बहुत बड़ी बात है। तो ये बंदा आज भी मेरा दोस्त है, बहुत कम मेरे को मिलता है, बट फिर भी जब इसको मैं कॉल करता हूँ कि भाई आ जा, 2 मिनट में आ जाता है। तो बाकी गाड़ी वगैरह वॉश करवा दी, तो आज आप मेरे को बताना भाई आपको गाड़ी का ब्लॉग कैसा लगा। अगर भाई आप इस ब्लॉग पे ढेर सारा प्यार दिखाओगे, तो भाई फिर भी आगे मैं वरना के ब्लॉग्स बनाऊंगा। तो बाकी अंदर से भी एकदम बॉम्ब बना दिया, बाहर से अलॉय वगैरह भी डला दिया, आज मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला था तो मैंने अलॉय वगैरह डला दिए। तो बाकी सोच रहा हूँ एग्जॉस्ट वगैरह डलाऊं, तो कमेंट कर देना अगर आप चाहते हो कि मैं वरना में एग्जॉस्ट फिट करवाऊं, तो सुनेंगे भाई कैसी आवाज आती है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।